नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जिला सबनी के थोक फल और सब्जी व्यापारियों को नगर पालिका प्रशासन द्वारा पूर्व में नागपुर रोड स्थित मंडी में भेजा गया था और आश्वासन दिया गया था कि सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी व्यापारियों को प्राथमिकता से दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। विस्थापित दुकानदारों को दुकानें आज तक आवंटित नहीं कराई गई, उल्टा मंडी प्रशासन द्वारा वर्षों से व्यापार कर रहे इन व्यापारियों को अतिक्रमणकारी बताकर 6 अगस्त को बलपूर्वक हटाने का नोटिस दिया है, जो कि सरासर इन गरीब व्यापारियों के साथ अन्याय है। इसी विषय को लेकर आज व्यापारियों द्वारा कलेक्टर से कर मंडी प्रशासन की कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की गई। ये व्यथा लेके हम कलेक्टर साहब के पास आए थे कि कल 3 दिन के नोटिस देकर हमारी दुकान हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अनुचित अवैधानिक कार्रवाई हो रही है। हमको यहाँ नगर पालिका से वहाँ शिफ्ट करके इसलिए बोला गया था कि आपको वहाँ पर दुकानें भी देंगे, प्लॉट भी देंगे, भूखंड के साथ साथ आपको सब सुविधाएँ देंगे। आज तक वहाँ कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा वहाँ न जन सुविधा है, न पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा जहाँ हम लोग बैठे हैं उस जगह को भी हमने खुद फिलिंग किया हुआ है, 4-4 फीट गड्ढे भर के और शेड बना के वहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं और बिल्कुल विषम स्थिति में वहाँ पर व्यापार किया जा रहा है। पर उसके बाद भी ये लोग हमको वहाँ से वंचित करना चाहते हैं और जो नए दुकानदार हैं, जिन लोगों का दूर दूर तक सब्जी से भी वास्ता नहीं है, उन लोगों ने वहाँ पे दुकानें ले रखी हैं और उनको भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया इन्होंने पूरी नहीं की है, उसके बाद भी हमें वहाँ से हटाया जा रहा है। तो हम कलेक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम इस कार्रवाई को अपने स्तर पर रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। बस गुड बाय, गुड बाय सर। शॉर्ट में कल के आंदोलन की भी बता, कल जो है कल का जो है नोटिस 3 दिन का, एक बार 7 दिन का, 7 दिन का नोटिस दिया गया था, उसके बाद ये 3 दिन का नोटिस दिया गया है। बारिश का टाइम है, हम लोगों के अलावा भी वहाँ किसानों का माल रहता है। अगर मान लो हमारी व्यथा के साथ साथ वहाँ किसान भी व्यथित हैं, कल को अगर ये लोग कल की गेट में अगर मान लो तोड़ देते हैं तो जो किसानों का माल डंप है उसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? किसान लोग वैसे तो परेशान हैं, बारिश पानी ये वो, वैसे कोरोना काल से सब लोग परेशान रहे, उसके बाद जैसे तैसे अपना कारोबार कर रहे थे, काम धाम कर रहे थे, किसान लोग अपना माल ला के बेच रहे थे, इससे किसानों को भी बहुत भारी नुकसान होने वाला है। हम जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी व्यथा के साथ साथ किसानों की व्यथा को भी ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई को, और माननीय उच्च न्यायालय के भी गाइडलाइन है, नियम एवं उपनियमों का पालन किया जाए। मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी भूमि एवं संरचना आवंटन 2009 जो जिससे प्रावधानित ये लोग भी होते हैं, मंडी समिति वाले हम भी होते हैं। तो निवेदन ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार और दिशा निर्देशन द्वारा गलत कार्रवाई ना की जाए। अगर कल